तो आपको बताएंगे आज दंगल में हमारे साथ कौन कौन से मेहमान होंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले हमारे साथ आ रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पश्चिम बंगाल के प्रभारी। और कल जो हमला हुआ बीजेपी के नेताओं पर, कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी भी उस काफिले का हिस्सा थी। और आज जो मेडिकल रिपोर्ट आई उसके मुताबिक कैलाश विजयवर्गीय को लिगामेंट फ्रैक्चर उस पथराव के दौरान हुआ। कैलाश विजयवर्गीय, आपका स्वागत है आज तक पर। कल आपसे फोन पर बात हुई इसी कार्यक्रम के दौरान, आज आप लाइव मौजूद हैं। कल से आज में क्या फर्क आया परिस्थितियों में? देखिए, यदि व्यक्तिगत रूप से आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि जिस तरीके के सरकार की ओर से बयान आ रहे हैं, एक गैर जवाबदार सरकार, एक गैर जवाबदार मुख्यमंत्री और गैर जवाबदार पार्टी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैंने पूरे देश में भ्रमण करता हूँ, पर बंगाल की घटना के बाद लेकर टीएमसी पार्टी के नेताओं के बयान अति शर्मनाक है। और सब गलती करने के बाद भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी परिस्थिति बन रही है। तो मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि कैसे प्रदेश में हूँ मैं, जहाँ के मुख्यमंत्री इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कोई उनको फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उन्होंने और नड्डा जी के ऊपर आरोप लगा दिया कि ये तो आपने लगता है कि आपने ही करवाया लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए। समझता हूँ इतने जवाबदार बयान किसी मुख्यमंत्री का हो बहुत शर्मिंदगी हो। लेकिन कैलाश जी, कल तक आपकी शिकायत थी कि यहाँ की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, आज 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? आपने कल वीडियो दिखाए थे, आपने देखा था उसमें कितने लोग थे, मतलब सैकड़ों की संख्या में लोग थे। हमारे कम से कम 150 कार्यकर्ता घायल हुए, 150। अब 150 कार्यकर्ताओं की पिटाई में कितने लोग लगे होंगे आप अंदाज लगा सकते हैं, कितने पथराव किए गए, 7 लोगों की गिरफ्तारी, सब संतुष्ट हो जाए, वो भी जब एमएचए ने बुलाया चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को, उसके बाद इनको लगा कि हमें कुछ करना चाहिए, कल से लेके आज तक कुछ भी नहीं किया उसके पहले। दो बड़े आरोप लगाए उन्होंने, एक उनका कहना है कि आपने खुद ही करवाया जो कुछ हुआ, दो वो ये कह रहे हैं कि आप बिना जानकारी के ये सब कर रहे थे, जबकि कल आपने दावा किया था इसी कार्यक्रम के दौरान कि आप रात तक प्रशासन के साथ संपर्क में थे, ईमेल्स किए गए। तो टीएमसी के नेताओं ने कहा कि साहब ईमेल कहाँ है, दिखाइए, सार्वजनिक तो किए नहीं आपने। हमने ईमेल किया है, मैं आपको भी दिखा सकता हूँ, मुझे मालूम था कि प्रश्न आने वाला है, मैं आपको बता देता, आपको चर्चा के दौरान ईमेल अभी बुलवा लेता हूँ मैं, जो हमने होम सेक्रेटरी को, जो हमने प्रदेश अध्यक्ष दिलीपदा के साथ, दिलीपदा के लेटरहेड पर, वो सर मैं आपको दे देता हूँ, अभी हाल ही बुलवाता हूँ, बात करते रहते, मैंने अपने पीए को इशारा कर दिया है, जरा जल्दी से बुला लो, मैं आपको भी दिखाऊंगा, जो कि हमने रात को दी। गवर्नर साहब से मेरी टेलीफोन पे बात हुई, गवर्नर साहब ने खुद ने पीए तो होम सेक्रेटरी को बोला, उसके बाद सेंट्रल होम सेक्रेटरी को भी हमने खबर की कि भाई इस प्रकार की हमारे पास सूचना आ रही है, कल लाइन ऑर्डर बिगड़ सकता, सुबह चीफ सेक्रेटरी से हमारे एक पदाधिकारी ने बात की, तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा आप चिंता मत करिए पूरी व्यवस्था है। उसके बाद सुबह भी पुलिस के, संपर्क कट, कैलाश जी संपर्क कट गया, पीछे सेंट्रल फोर्स था, उसके बाद फिर नड्डा जी की गाड़ी थी, उसके बाद फिर एक सिक्योरिटी थी, उसके पीछे मेरी गाड़ी थी जी, इतनी सब व्यवस्था थी, उसके बाद हमला हुआ, इतना जबरदस्त हमला हुआ कि एक सेकंड के लिए तो ऐसा लगा कि क्या हो गया, हम किस देश में, अपने ही देश में है क्या कि पुलिस खड़ी हुई है और गुंडे यहाँ पर मार रहे हैं हमको, पथराव कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति बन गई। आपके एक सहयोगी है साइंतनु, जिनका बयान टीवी पर चल भी रहा लगातार, उन्होंने कहा फिल्म का डायलॉग याद है ना, तुम एक मारोगे हम चार मारेंगे, तो क्या पश्चिम बंगाल में अब यह माना जाए कि अब खून खराबे वाला ही चुनाव होगा? देखिए, मैं तो इस बातों पर विश्वास नहीं करता हूं, हम हिंसा की राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, हमें ताकत है कि हम जवाब दे सकते हैं, हमारे पास बहुत अच्छा संगठन है यहाँ, तो डेमोक्रेसी में हिंसा को स्थान नहीं, और हम बिल्कुल भी इस प्रकार की जो बात करते हैं किसी ने भी की, मैं अगर हमारी पार्टी के नेता ने भी की है
कौन से कहूंगा कि मैं उनको समझाऊंगा कि भाई इस प्रकार के बयानबाजी नहीं करना चाहिए। पार्टी की न नियत है, न नीति है, न विचारधारा है। हमारा ये मानना है कि प्रजातंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। दिलीप घोष कह रहे हैं लाल किताब में नोट कर लिया है, एक एक का हिसाब लिया जाएगा, उसका क्या मतलब है? कभी कभी उत्तेजना में ऐसी बातें निकल जाती होगी, पर मैं नहीं मानता कि हमने कभी भी बदले की भावना से भी काम किया हो। किसी हमारे नेता ने कभी उत्तेजना में, क्योंकि परिस्थितियां कभी कभी ऐसी हो जाती है। अब आपका कार्यकर्ता जो रात तक आपके साथ था, सुबह उसका मर्डर हो गया, उसके पास जा रहे हैं, वहाँ कार्यकर्ता उत्तेजित है, तो वहाँ बोलना पड़ता है कि ठीक है हम एक एक का बदला लेंगे, तुम चिंता मत करो। कभी कभी परिस्थितियां बन जाती है ऐसी, पर इसका मतलब हमारी भावना ऐसी नहीं है कि हम बदला लेंगे। तो आप हम हिंसा की बदला राजनीति में विश्वास नहीं, तो ना जमीन पे बदला लेंगे ना राज्यपाल के जरिए बदला लेंगे। बदला लेने का काम ही नहीं, हम बदले की भावना से काम ही नहीं करते। देखिए डेमोक्रेसी में जनता सबक देती है, और हमें विश्वास है कि हम जनता का दिल जीतेंगे और जनता जो लोग गलत कर रहे हैं उनको सबक देगी। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश विजयवर्गीय आज तक पर आने के लिए। ये ईमेल आप पत्र आ दिखा गया रहे मेरे हैं, पास दिखा दीजिए ये रोहित जी, ये पत्र आ गया, जी ये पत्र दिलीप दा के हस्ताक्षर से है, जी और इसमें हमने, मैं आप चाहें तो पढ़ के सुना देता हूँ, मैं जोर से पढ़ के सुना, सुन ले सब लोग। सब्जेक्ट: रिजल्ट ऑफ श्री जेपी नड्डा, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, टू योर डिस्ट्रिक्ट ऑन 10 दिसंबर। दिस वाज एड्रेस्ड टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साउथ 24 परगना। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ अवर पार्टी श्री जेपी नड्डा विल विजिट डायमंड हार्बर फॉर पार्टी मीटिंग ऑन 10th of December। ही विल डिपार्ट फ्रॉम द होटल विस्टिन एट न्यू टाउन एट अराउंड 10 AM and will reach the radio station ground at Diamond Harbour. At the same venue, he will be having multiple party programs. Shri Dilip Ghosh and other party and central leaders will accompany him. We request you to extend and provide adequate security cover in your district during the entire duration of his program, including trouble-free passage on the road and also at the meeting venue. This is especially important in view of today's serious security lapses occurred in Kolkata during his program. ये पत्र, इसकी कॉपी आप देख लीजिए, हमने सीसी कॉपी की है इसको। हमने किए है होम सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, एक आखिरी सवाल पूछ सेक्रेटरी रहा हूं एंड होम कैलाश जी, सेक्रेटरी। क्योंकि कल तृणमूल ने यह आरोप लगाया कि दिलीप घोष को सुबह ही कैसे पता था कि आज हमला हो जाएगा, वो सुबह ही क्यों कह रहे थे कि हमला हो जाएगा हम पर? देखिए एक दिन पहले वहां के जो सांसद है अभिषेक जी, उनके दाएं बाएं दो हैं, एक शौकत मुल्ला है, एक जहांगीर है। उन्होंने बस लगाकर कार्यकर्ताओं को बुलाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की। 10-10 हजार लोगों का दो स्थानों पर भोजन बना, ये जानकारी जब हमको मिली तो हमने पुलिस को यह अवगत कराया कि वहां पर किस प्रकार गैदरिंग हो रही है, क्या ऑफिशियल कार्यक्रम है क्या। अगर हो संपर्क कट गया कैलाश विजयवर्गीय से, बीजेपी के